तो अभी फिलहाल जो रोमन रेंस के फैंस हैं, मेरे हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे WWE को देख के कि भाई रोमन रेंस तो टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देता है, और काफ़ी लंबा टाइम हो गया कि भाई जो रोमन रेंस है WWE कंपनी के अंदर नहीं आ रहे, और हम सभी जानते हैं रोमन रेंस खुद कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं बताती कि वो कब तक हमें WWE कंपनी के अंदर रिटर्न करते हुए आएंगे नजर। लेकिन गाइस फाइनली आपको बता दूं, काफ़ी पॉजिटिव अपडेट आई है सामने, जो कि बैक स्टेज रिपोर्ट के हिसाब से कि कब तक रोमन रेंस WWE कंपनी के अंदर एक बार फिर से आप सभी को रिटर्न करते हुए आएंगे नजर। एंड गाइस जो ये वाली वीडियो है, इस वाली वीडियो के अंदर मैं इस पॉजिटिव अपडेट को जरूर से करने वाला हूं कवर। तो मेरे हिसाब से रोमन रेंस के फैंस को इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना चाहिए। एज के बारे में भी करेंगे बात, क्योंकि बैकलैश पे पर व्यू में उन्हें हो गई थी इंजरी, एंड वो कब तक WWE कंपनी के अंदर एक बार फिर से रिटर्न करेंगे इसको लेकर काफी खराब न्यूज आई है सामने। लेकिन गाइस स्टिल इस वाली वीडियो के अंदर हम इसके बारे में करेंगे डिस्कस। बल्गेरियन ब्रूट रूसेफ ने फाइनली इस बात को कर दिया रिवील कि कब तक वो हमें आने वाले टाइम में रेसलिंग पर फिर से करते हुए नजर आने वाले हैं, कौन से रेसलिंग प्रमोशन में जाते हुए नजर आने वाले हैं, इसके बारे में भी करेंगे बात। WWE के रियल फैंस एक बार फिर से अटेंड कर सकते हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स को एकदम लाइव, और इसके बारे में भी गाइस करने वाले बात। काफी सारी और भी अपडेट्स आपको इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो को हम लोग इस बार शुरू करने वाले हैं बैड न्यूज बैरेट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पहले WWE कंपनी के अंदर हम सभी को दिखाई देते थे, लेकिन हमने क्या देखा रिसेंटली, जो डेरिंग यंग है उन्होंने इस बात को रिवील किया था कि इस तरीके से WWE कंपनी ने उन्हें ये ऑफर दिया था कि आप सभी यानी कि पूरा द नेक्स्ट सीजन में WWE कंपनी के अंदर रिटर्न करता हुआ नजर आए WrestleMania 36 के अंदर। लेकिन COVID-19 के सारे पैंडेमिक के कारण सारे जो प्लान्स थे वो कैंसिल होते हुए नजर आए। लेकिन आपको बता दूं रिसेंटली बैड न्यूज बैरेट का एक इंटरव्यू होता है जहां पर ये बात रिवील करते हैं कि भाई उन्हें WWE कंपनी की तरफ ऑफर तो आया था WrestleMania 36 में, लेकिन उन्होंने ये वाला WWE कंपनी को ऑफर कर दिया था रिजेक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें स्टोरी लाइन पसंद नहीं आई, उन्हें जो WWE कंपनी पैसे दे रही थी वो पसंद नहीं है, बल्कि वो ज्यादा इनकम चाहते थे WWE की तरफ से पर अपीयरेंस के, क्योंकि अभी फिलहाल WWE ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर रही थी। एंड इसी के चलते वेड बैरेट या फिर बैड न्यूज बैरेट इस बात को रिवील करते हैं कि अगर नेक्सस की रिटर्न होती भी WrestleMania 36 के अंदर तो वहां पर बैड न्यूज बैरेट आप सभी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्होंने WWE का जो रिटर्न का ऑफर था वो कर दिया था रिजेक्ट। तो मेरे हिसाब से बैड न्यूज बैरेट खुद भी WWE कंपनी के अंदर रिटर्न नहीं करना चाहते, वो ये चाहते कि WWE उनसे डिमांड करे एंड उनसे एक्चुअली में पूछे कि भाई आप कितने पैसे चाहते हो एक बार फिर से WWE कंपनी के अंदर आने के लिए। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि जब तक ये सारा पैंडेमिक चल रहा है WWE की जो कंपनी है वो कुछ इस तरीके से ऑफर कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है जो फॉर्मर WWE सुपरस्टार से। खैर जैसे इस बात की हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है जैक्सन राइकर के बारे में। आप सभी जानते हो काफी ज्यादा दंगा फसाद हो गया था WWE कंपनी के अंदर जब जैक्सन राइकर ने डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट के अंदर एक ट्वीट कर दिया था। लेकिन आपको बता दें काफी बड़ी अपडेट इसको लेकर आई है सामने, एंड इस अपडेट के हिसाब से जो WWE है उसने पूरा फॉरगेटन सन्स का जो पुश था WWE के अंदर अब वो रोक दिया। अब रीजन ये है क्योंकि जैक्सन राइकर ने वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कर दिया था ट्वीट, जो फैंस थे वो हो गए थे उनके खिलाफ। और मैं कह सकता हूँ जैक्सन राइकर के कारण पूरे की पूरी फॉरगेटन सन्स की टीम को भी इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूँ भाई ये तो वही हाल हो गया कि क्लास का एक बच्चा शोर मचाता है लेकिन स्टिल पूरी की पूरी क्लास फंस जाती है, और ये चीज पर्सनली मेरे साथ काफी बार हुई है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ भाई जैक्सन राइकर के कारण पूरा का पूरा फॉरगेटन सन्स का जो पुश रुक गया उसके बारे में क्या है आपका सोचना नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट जो गाइस इस बार हमारी अपडेट है वो इस बार जुड़ी है अंड्राडे ज़ेलिना वेगा एंड एंजल गार्जा के बारे में। आप सभी जानते हैं फिलहाल जो अंड्राडे हैं वो ज़ेलिना वेगा एंड एंजल गार्जा दोनों से अलग अलग चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं ऐसी अपडेट्स आ रही हैं डेव मेल्जर के हिसाब से कि जो ज़ेलिना वेगा का पूरा स्टेबल है वो WWE जो है उन्हें जल्दी से जल्दी तोड़ना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल WWE के पास कोई भी स्टोरी लाइन नहीं बची इन सुपरस्टार्स के लिए, एंड WWE ये चाहती है कि अगर ज़ेलिना वेगा का जो स्टेबल है वो टूट जाएगा जल्दी से जल्दी तो अंड्राडे वर्सेस एंजल गार्जा के बीच WWE हमें काफी कमाल की स्टोरी लाइन दिखाई दे सकती है। और इसी के चलते WWE आप सभी को काफी जल्दी ज़ेलिना वेगा के स्टेबल को अलग अलग करती हुई नजर आने वाली है ना। आने वाले टाइम में एंजल गार्जा वर्सेस अंड्राडे के बीच भी आप सभी को एक सिंगल फ्यूड जरूर से दिखाई देने वाला है। हमारे का जो इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की टीवी टेपिंग्स के बारे में। आप सभी जानते हो कि जो इस हफ्ते रॉ का एपिसोड था वहां पर भी जो शो था वो पूरा का पूरा टीवी टेप था। लेकिन खैर आपको ये बात बता दूं काफी सारे जो फैंस थे वहां पर वो पूरे के पूरे NXT डेवलपमेंट टैलेंट्स नहीं थे, बल्कि आज जो फैंस ने अटेंड किया था शो वो NXT डेवलपमेंट के साथ साथ रियल WWE फैंस भी थे। और आपको बता दो ब्रायन एल्वेस की तरफ से ऐसी अपडेट आ रही है सामने कि जो WWE के काफी ज्यादा डाई हार्टेड फैन थे उस टाइम परफॉर्मेंस सेंटर के आसपास एक तो उन्होंने अटेंड किया ये वाला इवेंट, साथ ही साथ में जो कोई रेसलर के रिलेटिव्स वगैरह, मान लो जैसे भाई मैं WWE सुपरस्टार हूं आप लोग मेरे कोई रिश्तेदार लगते हैं तो आप सभी को WWE का वो वाला इवेंट अटेंड करने के लिए कहा जाएगा, और अगर आप चाहते तो आप उसे ऑफकोर्स अटेंड कर सकते हो एकदम लाइव। और इसी के चलते जो WWE वो धीरे धीरे करके सभी रियल फैंस को एक बार फिर से WWE कंपनी के अंदर हमें लाती हुई नजर आने वाली है, एंड टीवी टेपिंग्स के अंदर भी जो रियल फैंस है WWE वो यूज करने वाले, जो कि काफी बड़ी न्यूज है हम सभी के लिए। क्योंकि जो NXT डेवलपमेंट टैलेंट्स है भाई उनका चेयर वगैरह काफी ज्यादा पता नहीं मुझे अजीब सा लगता है, और मेरे हिसाब से जब तक रियल फैंस नहीं आ जाते वो वाली फीलिंग एक्चुअली में नहीं आने वाली है।
जब होती थी, जब पूरा क्राउड एंड एरिना भरा होता था। खैर आपको ये भी बता दूं, जो फैंस एक्चुअली में आए थे यार टीवी टेपिंग से दौरान मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की, उन्हें WWE ने मास्क पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि आप जानते जो NXT के डेवलपमेंट टैलेंट्स हैं उनमें से एक जो बंदा था वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। अब फिलहाल वो टीवी टेपिंग से टाइम तो वहां पर नहीं था, वो था परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर। लेकिन आपको बता दूं जो फैंस वहां पर रियल वाले आए थे, जैसे वो मास्क वगैरह पहनने चले थे अपने फेस के ऊपर टीवी टेपिंग के दौरान, तो WWE के जो कह सकते हैं पूरी प्रोडक्शन वगैरह उन्होंने इस चीज से कर दिया मना, ताकि कोई बैड इंपैक्ट ना पड़े WWE फैंस के ऊपर एक्चुअली जो घर पे बैठ के टीवी पर आराम से देख रहे हैं। क्योंकि मास्क वगैरह लगाए होगा तो भाई बंदे सोचेंगे कि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, पता नहीं क्या कुछ है। तो इसलिए जो विंस मैकमैन है वो ये चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में कोई पॉजिटिव चीज भरी जाए, और इसी के चलते उन्होंने मास्क लगाने से किया है मना WWE के फैंस को एंड WWE के NXT डेवलपमेंट टैलेंट्स को भी। खैर गाइस, इसके बाद हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है आर रेटेड सुपरस्टार एज के बारे में, या फिर कहूँ क्रिश्चियन के एक काफ़ी अच्छे दोस्त के बारे में, जो कि अभी फिलहाल इंजरी के कारण WWE कंपनी से हो गए थे बाहर। आप सभी जानते हैं कि बैकलैश पेपर व्यू के अंदर ट्राइसेप बाइसेप पता नहीं भाई कौन कौन सी इंजरी हो गई थी एज को। और आपको बता दूं जो एज है एक्चुअली में टॉम ट्राइसेप का फेस कर रहे हैं, जो कि उनके सीधे वाले यानी कि राइट हैंड के अंदर। और आपको बता दूं एक्चुअली में जो अगर डॉक्टर्स वगैरह की माने तो इसका जो रिकवरी टाइम है वो करीबन 8 महीने से ज़्यादा लगता है, या फिर कम से कम तो 8 महीने लगता है। और जल्दी से जल्दी अगर एज रिकवरी करने की भी करेंगे कोशिश तो कुछ नहीं तो 3 से 4 महीने मेरे हिसाब से जो एज है आप सभी को WWE कंपनी से बाहर रहते हुए नजर आने वाले, अगर एक्चुअली में उन्हें एक टॉम ट्राइसेप राइट आर्म की इंजरी हुई है। और आपको बता दूं ये जो रिपोर्ट है इसने बात कंफर्म की है कि आप सभी को ये सोचना चाहिए कि जो एज है वो आप सभी को 8 महीने तक करीबन WWE कंपनी से बाहर रहते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है हम सभी के लिए। हम सब ये सोच रहे थे कि भाई एज को इंजरी हो गई बैकलैश पेपर व्यू के अंदर, करीबन 3 से 4 महीने के बाद उनकी रिकवरी हो जाएगी और फिर से वो WWE कंपनी के अंदर हम सभी को रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन काफी खराब न्यूज है हम सभी के लिए, क्योंकि एज आप सभी को जैसे मैंने कहा 8 से 9 महीने WWE कंपनी से बाहर रहते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी गाइज अगर आगे इसको लेकर कोई भी अपडेट आएगी वो भी आपको हमारे चैनल पर जरूर से मिल जाएगी, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा जल्दी से जल्दी जो एज है वो अपने राइट आर्म की टॉम ट्राइसेप इंजरी को रिकवर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो इस बार की हमारी नेक्स्ट अपडेट है गाइज वो इस बार जुड़ी है बुल्गेरियन ब्रूट रूसेफ के बारे में। देखो जैसे मैंने आपको रिसेंटली वीडियो के अंदर बताया कि जो रूसेफ है वो प्रोबेबली WWE कंपनी को एक बार फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। इंपैक्ट रेसलिंग काफी बार ये बात भी टीज कर रही है कि इस तरीके से जो बुल्गेरियन ब्रूट रूसेफ है जो बाकी WWE के फायर सुपरस्टार है वो आप सभी को इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर दिखाई दे सकते हैं। इसको लेकर फाइनली बुल्गेरियन ब्रूट रूसेफ ने भी चीजें क्लियर की हैं। उनका यहाँ पर कहना यह था कि मैं हाँ भी नहीं कह सकता हूँ, मैं ना भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल इंपैक्ट रेसलिंग ने मेरे से बात नहीं की है, ना उन्होंने मुझे अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की है। साथ ही साथ रूसेफ कहते हैं मैं यहाँ पर ना इसलिए भी नहीं कह सकता क्योंकि हो सकता है कल इंपैक्ट रेसलिंग मेरे पास आ जाए और वो मुझे एक मैच के लड़ने के $1,000,000 देने लग जाए, तो यस मैं जरूर इंपैक्ट रेसलिंग के साथ जाने वाला हूँ। और यहाँ पर रूसेफ कहना यह था कि अभी फिलहाल जो उनका फ्यूचर है वो पूरा का पूरा अनप्रेडिक्टेबल है, वो वहाँ पर जाएंगे जहाँ उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जहाँ पर उन्हें अच्छी तरीके से इज्जत मिलने वाली है। उनका कहना यह था कल कोई कंपनी आती चाहे वो AEW ना हो, वो मुझे पर मैच के $1,000,000 देगी तो मैं ज़रूर से उस कंपनी के साथ साइन करने वाला हूँ। देखते हैं भाई कौन सी वो कंपनी होती है WWE के अलावा जो कि रूसेफ को एक्चुअली में इतना पे करने वाली। मैं मानता हूँ रूसेफ एक डिजर्व सुपरस्टार है कि भाई उन्हें इतनी सैलरी तो कम से कम मिलनी चाहिए, लेकिन आपको बता दूं यार पेंडेमिक वगैरह के कारण मुझे नहीं ऐसा लगता कोई और कंपनी रूसेफ को एक्चुअली में इतने ज़्यादा रुपीज़ पे करने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है लौट के बुद्धू घर के हुआ यही सीन होने वाले हैं, WWE एक बार फिर से रूसेफ को हमें हायर करते हुए नजर आने वाली है। खैर गाइस क्या आपको इसके बारे में सोचना नीचे मुझे फोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन अब नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं जो कि इस बार जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में। देखो जैसा मैंने कहा रोमन रेंस को लेकर कोई भी पॉजिटिव अपडेट जल्दी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि रोमन रेंस का खुद भी जब इंटरव्यू होता है वो यही बात रिवील करते हैं कि भाई मैं WWE कंपनी के अंदर रिटर्न करूंगा जब मेरी फैमिली वगैरह सब सेफ हो जाएगी एंड जब ये सारा पैंडेमिक हो जाएगा खत्म। तो मेरे हिसाब से आप सबको ये बात तो बताऊंगी कि जो रिसेंटली रोमन रेंस है उनका एक ट्विटर के ऊपर वीडियो आया था जहां पर ये बात रिवील करते हैं कि इस तरीके से वो WWE के अंदर जल्दी से जल्दी रिटर्न करने की करने वाले हैं कोशिश। साथ ही साथ यहां पर वो ये भी बात रिवील करते हैं कि जैसे वो WWE कंपनी के अंदर एक बार फिर से हमें रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं, वो पूरे के पूरे लॉकर रूम को हमें डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आने वाले हैं। फिर जो उनके हेटर्स है वो ये कहेंगे कि भाई ये फिर से आ गया और यहां पर सब तहस महस करने लग गया, लेकिन रोमन रेंस की परवाह नहीं करते क्योंकि काफी सारे जो फैंस हैं उनकी रिटर्न कर रहे हैं वेट। और रोमन रेंस का कहना यह था कि बस आप सभी को थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा और रोमन रेंस एक बार फिर से लॉकर रूम के अंदर आके आप सभी को तबाही मचाता हुआ नजर आने वाला है। एंड आपको बता दूं कुछ बैक स्टेज रिपोर्ट ऐसी आ रही है सामने की जो WWE वो रोमन रेंस की रिटर्न तभी प्लान करेगी जब WWE के रियल फैंस पूरी तरीके से हमें अटेंड्स वगैरह इवेंट करते हुए नजर आने वाले हैं एंड जब WWE रेगुलर लाइव इवेंट्स रखने लग जाएगी। तो इससे बात साफ हो जाती है कि जो WWE के रियल फैंस हैं आप सभी को वहां पर उन्हें अटेंड करते हुए नजर आने वाले हैं। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से तो WWE है वो समर के एंड तक हमें एक बार फिर से सारे इवेंट्स को होल्ड करते हुए नजर आने वाले, क्योंकि जो टिकट मास्टर वेबसाइट है आप सभी जानते हो वहां से आप जाके टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हो कोई भी इवेंट की, चाहे वो रेसलिंग इवेंट हो चाहे वो कुछ भी हो। तो यहां पर जो WWE है उन्होंने जो समर के एंड में
इवेंट्स होने वाले हैं उनको भी फिलहाल टिकट मास्टर वेबसाइट की तरफ से कैंसिल नहीं करवाया। एंड आपको बता दूं ऐसी रिपोर्ट्स आने की जो रूमर इसके रिटर्न है वो लाइव इवेंट्स की जब रेगुलर अटेंड होने लग जाएंगे उनके बाद ही होने वाली है। मान लो आज अगर रेगुलर लाइव इवेंट्स अटेंड होने लग गए WWE की तरफ से तो करीबन 2 से 3 हफ्ते बाद आप सभी को रूमर इसकी WWE रिटर्न दिखाई देने वाली है। एंड ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है समर के एंड तक अगर WWE जो इवेंट्स है वो होल्ड करने लग जाती है यानी कि ठंडियों के आसपास या फिर मैं इंडिया की बात कर लूँ तो भाई नवंबर दिसंबर के आसपास आप सभी को रूमर इसकी WWE रिटर्न दिखाई देने वाली है। काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है वो समर स्लैम पे पर व्यू के अंदर रिटर्न करें लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है क्योंकि जो रूमर इनसे आप सभी को इस साल का समर स्लैम का पेपर व्यू मिस करते हुए नजर आने वाले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्लैश ऑफ चैंपियंस वगैरह जो पेपर व्यू होंगे WWE के इस साल के आखिरी में उन्हें प्रोबेबली रूमर इन मिस नहीं करने वाले हैं। एंड रूमर इन जरूर से जो क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू होने वाला है मेरे हिसाब से वहां पर आप सभी को उसमें रेसल करते हुए नजर आने वाले हैं। तो समर स्लैम में जो रिटर्न सोच रहे थे रूमर इन से होगी तो गाइज आपके लिए डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। लेकिन स्टिल मैंने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो WWE वो रूमर इन से रिटर्न करवाएगी लेकिन फाइनली WWE ने अगर सोचा क्लैश ऑफ चैंपियंस के आसपास अगर वो रूमर इन रिटर्न करवाए तो मेरे हिसाब से उनका अच्छा डिसीजन जरूर से होगा। और देखने में ये मजा आने वाला है जब रोमन रेंस क्लैश ऑफ चैंपियन पेपर व्यू के आसपास आते हैं तो आप सभी जानते हो क्लैश ऑफ चैंपियन पेपर व्यू के अंदर हर चैंपियनशिप होती है ऑन द लाइन। तो क्या सीधा WWE रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप पिक्चर के अंदर डालेगी या फिर नहीं, इस चीज को देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूर से होगा। बाकी गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय टेक केयर।